पहले फ़ुटबॉल खेलते थे लेकिन फ़ुटबॉल का इतना स्कोप नहीं था पाकिस्तान में तो मैं 2007 हज़ार में गया हूँ लाहौर तो उसके बाद साथ ही क्रिकेट क्रिक, क्रिक भी ज्वाइन किया तो जब मेरा पहले नाम आया था कराची किंग्स में तो मैं ड्राफ्टिंग चल रही थी तो मैं नहीं देख रहा था क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इस जगह पर मैं सेलेक्ट होने जा रहा हूँ तो फिर मुझे किसी ने ऐसे वीडियो सोनी की मुझे किसी ने बोला कि आपका नाम आ गया उसामा मीर लेग स्पिनर उसने बोला आपका नाम आ गया मैंने कहा क्या चवले मारा है जान के तंग कर रहा है ये गिर का एक छोटा सा गाँव है यहाँ से सिलेक्शन होना और इतनी बड़ी टीम है अब आप काउंटी खेलने के लिए जा रहे हैं तो कैसी फीलिंग्स है इलाके वालों को आपके साथ और फैमिली का सपोर्ट है आपको सेंट्रल पंजाब से खेला तो शोब भाई थे शोह मलिक उनके साथ मुझे रनिंग का मजा आता था जब बैटिंग के दौरान रनिंग करते थे वो कुछ समझाते थे, थे चीज़ें भी जब आप अभी फाइनल में उतरे थे मैदान के अंदर कोई खास कोई प्लानिंग के साथ आए थे या आपने ग्राउंड की और टीम की हालत उस वक्त देखी उस हिसाब से अपना प्लान चेंज किया डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें असलम नाजरीन डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के नेशनल हीरो और क्रिकेट स्टार तैयब तािर के साथ तैयब ताहर को पाकिस्तान और दुनिया भर के क्रिकेट शायक इनकी जारहाना इनिंग्स की वजह से जानते हैं तैयब ताहिर शह सुरखियों में तब आए जब इन्होंने कराची किंग्स की तरफ खेलते हुए पी में शानदार इनिंग्स का मुजाहरा किया हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ फाइनल मैच तैयब ताहिर ने शानदार सेंचुरी स्कोर की जिसके बाद भारत को वहाँ से हारना पड़ा और ट्रॉफी पाकिस्तान के हिस्से में आई क्रिकेट फैंस और तैयब ताहिर के फैंस इनके बारे में उनकी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं आइए तय्यब ताहिर से बात करते हैं असल सर वाले कैसे हैं आप ठीक है अल्लाह का शुक्र सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद आपने पाकिस्तान को रिवायती हरीफ़ के खिलाफ बहुत बड़ी कामयाबी दिलाई है क्या फील कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस मौके पे हम इस लेवल पे हमें चांस दिया और उस लेवल पे जाके इस तरह परफॉर्मेंस होना तो ये भी बहुत बड़ी बात है प्राउड है मेरी फैमिली के लिए पाकिस्तान के लिए सबके लिए जब आप अभी फाइनल में उतरे थे मैदान के अंदर कोई खास कोई प्लानिंग के साथ आए थे या आपने ग्राउंड की और टीम की हालत उस वक्त देखी उस हिसाब से अपना प्लान चेंज किया था नहीं प्लान तो ऑबियसली बात है जिस टीम के अगेंस्ट खेलना होता है प्लान उसी तरह वो करते हैं तो बाकी ये था कि जब हम जाते हैं मैच में विकेट का वो जायजा करते हैं कि विकेट क्या बिहेव कर रही है उस पर कैसी शॉट्स लगेंगी मतलब सम टाइम होता है कि जाते साथ बल्ले पे बॉल आता है और सम टाइम वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है खेलने में तो जब हमारी विकेट्स लूज हुई हैं दो तीन बैक टू बैक तो उसके बाद फिर प्लान ये चेंज किया कि हम थोड़ा सा मोमेंटम स्लो करेंगे और उसके बाद जब हमारे हाथ में कुछ चीज़ें आ जाएंगी लाइक हम जरा सा मैं और मुबसर था मेरे साथ तो हमने ये सोचा कि अगर हमारे हाथ में ये आता है कि अब हमारी विकेट सेव हैं अब हम थोड़ा सा बल्लेबे बॉल आ रहा है, तो उसके बाद हम चार्ज करेंगे तो ये हमारी स्ट्रैटी थी इस दफ़ा भी फाइनल में खेलते हुए हमेशा ऐसा होता है भारत के ख़िलाफ़ जब हम खेल रहे होते हैं या हमारी एनर्जी लेवल बहुत अप टू होता है जब हमने 152 का टारगेट अचीव किया था और 10 विकटों से जीते थे कभी हम बहुत डाउन हो जाते हैं इस दफ़ा भी ऐसा हुआ आगाज़ में विकेट्स गिर गई उसके बाद आप आए तो जब आपने अचीव कर एक किस मोमेंट पर आपको लगा कि अब गेम हमारे हाथ में जी ये होता है कि गेम में एक मोमेंटम चाहिए होता है टीम को चाहे वो बॉलिंग कर रही है चाहे वो बैटिंग कर रही है तो बॉलिंग में ये हुआ था कि उनको भी ये नज़र आ रहा था कि आज ये अच्छा मतलब खेल रहे हैं स्टार्ट हमें अच्छा मिल गया तो वो क्लेप्स कर गए हम दो तीन बीच में से जो विकेट्स डाउन हुई हैं ना तो उसके बाद जब हमने जो अपना प्लान किया था कि हम अगर मोमेंटम स्लो करते हैं थोड़ा सा टाइम लेते हैं विकेट पर तो भी अपनी कुछ शॉट्स रोकते हैं बीच में क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर टाइम जब आप जाते हैं जब आपका बहुत लाइक गुड डे होता है आपकी हर शॉट्स लगती हैं तो जब बैड डे होता है ना तो उसमें ये होता है समटाइम एक आधी शार्ट आपकी फेवरट लग जाती है लेकिन एक एक टाइम पे आके वो आपका वो एज लग जाएगी या वो कैच चढ़ जाएगा तो हमने ये सोचा था कि पाँच छः ओवर ले लेंगे उसके बाद जब हम देखेंगे कि अब हमारे हाथ में चीज़ें आ गई हैं फिर उसके बाद हम ट्राई करते हैं तो फिर जो हमने प्लान किया वो उस पर हम पूरा उतरें आपका स्टार्ट था फुटबॉल उसके बाद आप टेप बॉल में आए उसके बाद आपने डेब्यू किया टी ट्वेंटी में अफगानिस्तान के खिलाफ इस सफ़र के बारे में थोड़ा बताइएगा जी पहले फुटबॉल खेलते थे लेकिन फुटबॉल का इतना स्कोप नहीं था पाकिस्तान में तो मैं दो हज़ार सात आठ में गया हूँ लाहौर स्टडी वगैरह भी उधर ही जॉइन किया है स्कूलिंग से तो उसके बाद साथ ही क्रिकेट क्रिक, क्रिक भी जॉइन किया है पी क्लब से मैंने जॉइन किया है वहाँ से अब्दुलज़ा कलीम डार इमरान नज़ीर एसन रजा ये सारे उधर से ही मतलब खेलते रहे हैं तो उसके बाद फिर स्लोली स्लोली स्टार्ट में तो बहुत टफ था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग फैमिली आपके सब होते थे अराउंड तो वहाँ पे जब इंसान अकेला होता है तो बहुत ही मुश्किल होती है फिर खाना खाने का दिल नहीं करता मतलब कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे एक रूम से जाना बाहर खेल के वापस आके फिर उसी रूम में तो इट वॉज़ क्वाइट टफ तो उसके बाद स्लोली स्लोली uh, क्लब में मैंने थोड़ी परफॉर्मेंस की है फिर उसके बाद डोमेस्टिक में और उसके बाद फिर ये स्टेप बाई स्टेप ये अल्लाह का शुक्र है कि ये रहा पाकिस्तान की नेशनल टीम में खेलना आ, हर क्रिकेटर का ख़्वाब है लेकिन इस वक्त जो ख़्वाब सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है वो है पी में खेलना अभी डेविड वार्नर ने एक वार्नर ने ट्वीट किया था कि मुझे पी में खिलाया जाए उसने ख्वाहिश का इजहार किया था जब आपको कराची किंग्स की तरफ से नॉमिनेट किया था तब कैसी फीलिंग्स थी और क्या वो फीलिंग्स अफगानिस्तान के साथ खेलने से ज़्यादा अहम थी Uh, जी ओबियसली बात है कि आपको कोई ना कोई चाहिए होता है ऐसा कि आप किसी स्टेज पे खेलें आप परफॉर्म करें और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें तो जब मेरा पहले नाम आया था कराची किंग्स में तो मैं ड्राफ्टिंग चल रही थी तो मैं नहीं देख रहा था क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इस जगह पर मैं सेलेक्ट uh, होने जा रहा हूँ तो जब आप नहीं होते ना तो फिर आप थोड़ा सा डिसार्ट होते हो तो मैंने बिल्कुल भी उसको माइंड में नहीं रखा था मैं बाहर लाइक हम कराची में थे तो दोस्त वीडियो बना रहे थे तो फिर मुझे किसी ने ऐसे वीडियो सेंड की मुझे किसी ने बोला कि आपका नाम आ गया उसामा मीर लेग स्पिनर उसने बोला आपका नाम आ गया मैंने कहा क्या चवले मार रहा है जान के तंग कर रहा है लेकिन उसने मुझे जब वीडियो सेंड की मैं फिर ऊपर रूम में गया जाके देखा तो फिर यकीन आया तो जब ज़्यादा एक्सपेक्ट करो ना किसी चीज़ का तो अब ना हो फिर बंदा होता है थोड़ा हर्ट होता है तो इसलिए फिर मैंने उस उसका इतना सोचा नहीं था तो जब नाम आया तो ओबियसली बात है सबसे पहले अब को कॉल किया वो भी बहुत हैप्पी हुए मतलब फीलिंग्स जिस इंसान का जो सोचा होता है उस तरफ इंसान का थोड़ा थोड़ा वो स्टेप बाय स्टेप चले तो वो इंसान को खुशी होती है आ, किस खिलाड़ी के साथ आपको खेलते हुए ज़्यादा मज़ा आता है अभी साई मयूब हारिस बाबर आजम बहुत हमारे पास अच्छे स्टार्स हैं किसके साथ खेलते हुए किसकी पार्टनरशिप के साथ खेलते हुए आपको ज़्यादा मज़ा आता है ज़्यादा तो इनके साथ इतना नहीं खेला पाकिस्तान टीम में आके इनके साथ थोड़ा खेला तो उससे पहले तो सेंट्रल पंजाब से खेला तो भाई थे शुयब मलिक उनके साथ मुझे रनिंग का मजा आता था जब बैटिंग के दौरान रनिंग करते थे वो कुछ समझाते थे चीज़ें भी तो ज़्यादा उन्हीं के साथ रहा अच्छा अच्छा ये सरयलमगीर का एक छोटा सा गांव है यहाँ से सिलेक्शन होना और इतनी बड़ी टीम में अब आप काउंटी खेलने के लिए जा रहे हैं तो कैसी फीलिंग्स है इलाके वालों को आपके साथ को, और फैमिली का सपोर्ट है आपको जी फैमिली की सपोर्ट के अलावा तो मेरा हाल है बहुत मुश्किल हो जाना था फादर सबसे बड़ी सपोर्ट है मेरी तो ओबियसली बात आई ये अब मेरा इस लेवल पर खेलना इस गाँव का एक नाम भी मतलब थोड़ा सा लोगों को पता चला है कि थून शरीफ भी कोई नाम है तो अब गुजरात का ये छोटा सा गांव है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब काफ़ी लोग इस गांव को जानते हैं तो मेरे लिए भी ये बहुत एक कह लें कि प्राउड की बात है कि मेरे थ्रू अल्लाह ताला ने कोई इसका नाम थोड़ा सा इस तरह किया तो अभी नेक्स्ट आपकी क्या प्लानिंग है नेक्स्ट प्लानिंग यही है कि अभी हर इंसान सोचता है जब भी अब जिस लत से क्रिकेट है तो क्रिकेट में इंसान का सबसे बड़ा गोल होता है वर्ल्ड कप खेलना ठीक है तो माइंड में यही होता है कि जब हम इस लेवल पे खेलते हैं परफार्मेंस करते हैं और उसके बाद फिर आप वर्ल्ड कप खेलो तो उम्मीद है कि इन शाला आगे अपकमिंग जो भी क्रिकेट आ रही है तो उसमें कोशिश करेंगे कि अच्छा हो ताकि फिर आगे फ्यूचर में सो नाजरीन उम्मीद है कि आपको तैयब ताहिर के बारे में जानने का मौका मिला होगा और उस शख्स के बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिला होगा जिसने हाल ही में भारत को चारों शान चित किया जी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़